तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके पोको F1 का अगर लैग फिक्स नहीं होता है ना, आप मेरे चैनल को चाहो तो अनसब्सक्राइब करके कमेंट्स में जो बोलना होगा वो बोल के जा सकते हो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। और गाइस, कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो के अंदर मैं आपके पोको F1 का 100% लैग फिक्स करने वाला हूँ। अब आप बोलोगे, रोस्ट भाई तुम्हारे पे तो रेडमी नोट 10 है, तुम पोको F1 का कैसे लैग फिक्स करोगे? तो भाई बता दूं, मैं मेरे एक नहीं दो नहीं तीन तीन दोस्तों के पास ये फोन है और तीनों ने स्नैपड्रैगन 45 देख के लिया था और आज तीनों रो रहे थे जब मैंने उनका लैग फिक्स करवाया है। ठीक है, तो भाई तुम्हारा भी लैग फिक्स हो जाएगा, बस तुमको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था करके वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस, बहुत जल्दी हम लोग 10K भी रीच करेंगे और 1 मिलियन भी। तो गाइस बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे चले आना है और जो जो सेटिंग बता रहा हूँ वो करना है आपको। सबसे पहले भाई फोन के होम स्क्रीन से सेटिंग में चलना है और यहाँ नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद भाई सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेवलप ऑप्शन से ऊपर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, फिजिकल पे क्लिक करना है, चौथे नंबर पे वो मिल जाएगा। और टच एंड होल्ड डिले को यहाँ पे मीडियम होगा, उसको शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कीबोर्ड माउस ट्रैकपैड वाला ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके वहाँ पे पॉइंटर स्पीड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। और भाई यहाँ पे हाफ होगा, इसको आपको फुल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों काम करने के बाद आपको सिंपली बैक बैक चले जाना है। और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन होगा, अब इसको कैसे इनेबल करते हैं दुनिया में सबको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो देख लेना, ईजी है, बहुत ईजी है। और यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और भाई सिंपली डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा नीचे जाना है। और यहाँ पे भाई सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है सिस्टम ट्रेसिंग। ठीक है, ये है गाइस सबसे ज्यादा मेन चीज जिससे आपका लैग फिक्स होगा। सिस्टम ट्रेसिंग के अंदर जाना है और आपको यहाँ पर सीपीयू बफर साइज या तो 8000 या 16000 पे होगा, आपको इसको करना है 32000 पे। ये जितना ज्यादा ज्यादा होता है ना उतना ज्यादा कम फोन लैग करता है, लेकिन हीट उतना ही ज्यादा करता है। तो भाई आपको 32000 पे रखना है, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा 65 पे रखोगे लैग बिल्कुल नहीं करेगा लेकिन हीट पूरा कर देगा। तो 32000 पे परफेक्ट रहता है, 32 आपको कर लेना है। और बैक जाने के बाद आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाएगा स्मॉलेस्ट विथ का, उसके ऊपर विंडो एनिमेशन स्केल का। आपको तीनों स्केल को 0.5 कर लेना है, और स्मॉलेस्ट विथ उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 392 का, उसको यहाँ पे कट करके 420 करना है। 420 ओपी भाई, यहाँ पे 420 करना है, ओके करना है। ठीक है, यहाँ पे 392 को 420 कर दिया, अब बस यहाँ पे हो चुका है डीपी का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपका जो बुलेट है वो भी तेजी में लगेगा। और भाई अब थोड़ा सा नीचे आपको और जाना है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स 4x वाले को कुछ भी छूछा नहीं करना है, बहुत सारे बंदे बताते हैं गलत है वो। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे क्लिक करना है और एटमोस्ट 2 प्रोसेसर पे क्लिक करना है। मैं फिलहाल इसको नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है, अदरवाइज मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर डोंट कीप एक्टिविटीज इनेबल कर लेना, लेकिन वार्निंग, अगर तुम कॉल पे बात करते हो या फिर मल्टीटास्किंग करते हुए गेम खेलते हो तब इसको ऑन नहीं करना, डोंट कीप एक्टिविटीज को, वरना तुम्हारा गेम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लिटरली ये सबको इनेबल करने के बाद लास्ट में फोर्स एक्टिविटी टू रिसाइजेबल है, उसको इनेबल करना है। और भाई यहाँ पे सारे ही फोन के सेटिंग कंप्लीट हो चुके हैं, अब थोड़े से गेम टर्बो और गेम के सेटिंग है वो भी ध्यान से देख लो। तो भाई गेम टर्बो के अंदर सबसे पहले तुमको चले आना है, गेम खोलोगे तुम्हारा गेम टर्बो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद भाई ऊपर तुमको गेम टर्बो में ये जो फीचर मैंने इनेबल किया उसको इनेबल करना है, जो जो डिसेबल किया वो डिसेबल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन परफॉर्मेंस का होगा, उस पर क्लिक करना है। मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर तुमको यहाँ पर सिंपली BGMI को रखना है, बाकी किसी को नहीं रखना है, सारे आपको डिक्लाइन कर देना, सिर्फ BGMI को रखना है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन याद से डिसेबल रखना है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन गलती से भी इनेबल मत कर लेना, भाई तुम्हारा फोन खत्म कर देता है यही ऑप्शन। और ऊपर परफॉर्मेंस मोड होगा, उसके अंदर तीनों ही फीचर को इनेबल करके एडिशनल सेटिंग में जाना, गेम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर टच रिस्पॉन्स फुल करना है, सेंसिटिविटी टू कंटिन्यू फुल करना है, और टच रेजिस्टेंस एरिया को नन करना है। बस इतना ही सेटिंग तुम्हारे गेम टर्बो का भी था, गेम टर्बो का भी सेटिंग हो चुका है। अब भाई गेम की सेटिंग है, देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट है, आज के दिन ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है पुराना वीडियो है। ठीक है, तुमको सिंपली गेम के सेटिंग के अंदर जाना है, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद सिंपली ग्राफिक्स के अंदर जाना है, ऑडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना, ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे तुमको हाई वाले पे सिलेक्ट कर लेना है, और सारी ऑडियोज को थोड़ा 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 कम कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फुल किसी को भी नहीं रखना है, नोट डैट फुल किसी को भी नहीं रखना है। और नीचे भाई दोनों को ऑप्शन को डिसेबल रखना है, बैकग्राउंड वॉइस चैट और जो भी एक और आता है। और भाई यहाँ पे एंटी एनालिजिंग ग्राफिक्स के अंदर डिसेबल रखना है, ब्राइटनेस को 130 तक रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना। और भाई बस यहाँ पे ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को डिसेबल करके ओके कर देना है। तुम्हारा यहाँ पे जो पोको F1 है ना,
उसका लैग यहाँ पे 110% फिक्स हो जाएगा। देखो गाइस एक इंपॉर्टेंट थिंग, अब तुम आके कमेंट में हेट दोगे कि भाई मेरा 100% लैग फिक्स नहीं हुआ है, तो देखो भाई 100% किसी भी फोन का लैग फिक्स करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इससे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम्हारा 70-80% जो फोन का लैग होगा ना वो 1000% फिक्स हो जाएगा, तुमको गेम पहले से ज्यादा स्मूथ दिखेगा। अगर नहीं दिखता तुम आपका जो मुझे जो बोलना होगा ना वो बोल सकते हो। और भाई वीडियो पसंद है प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज से कमेंट्स में बता दो। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेवा।